people, welcome to my YouTube channel, The Colorful Me. It's me, Rangoli Bagh, and for today's video, I'm going to share a huge and a very huge Shopsy footwear haul with you all. So if you wanna know what all I've got, please keep on watching, and without any further ado, let's get started. So starting off with this footwear right here. So I have already started using it, that is why मैंने इसमें रखी नहीं pack करके. So there was a thing कि आपको minimum दो तो लेनी होंगी, same slipper अगर लेनी हो तो. So I've got one in black color and one in white color. I was thinking कि मुझे दोनों ही white color में मिलेंगी, पर नहीं, मुझे एक black में मिली and thank God now I can use both of them. ये कुछ ऐसे है, इनकी क्वालिटी भी सही है बहुत प्राइस के हिसाब से एंड आई रियली लाइक देम. एवरीथिंग इस हॉल में आप जो कुछ भी देखोगे इज ओनली अंडर ₹300, सो नो नीड टू वरी. मैंने आपके बजट का भी पूरा ख्याल रखा है. Then I've got this one and I am in love with this. क्योंकि मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पहले से चाहिए थी एंड जैसे ही मुझे चांस मिला लेने का कुछ शॉपसी से, मैंने ले लिया सब कुछ एक ही साथ में. बहुत शॉपिंग कर ली मैंने फुटवेयर की. सो दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्टेड सिंस अ रियली लॉन्ग, बिकॉज आई एम द कलरफुल मी. आई डोंट रियली वॉन्ट कि मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्ले करूँ. मुझे थोड़ा सा कलरफुल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एज नेम सजेस्ट, लाइक मेरा खुद का नाम कलरफुल मी होके आई ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप ऑन. मेरे कपड़े हो, कुछ भी देखो, आप मुझे ब्लैक में देखोगे, व्हाइट में इतना नहीं देखोगे, बट आप मुझे ब्लैक में ही देखोगे. सो मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, पर मैं हूँ तो द कलरफुल मी एट द एंड ऑफ द डे. इसलिए मैंने ये कलरफुल स्लीपर्स लिए हैं. दिस आर एक्चुअली इन पिंक, आपको ऐसा नाम मिल जाएगा. और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, सो उसके लिए भी कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो दिस आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. जो ऐसी नॉर्मल स्लीपर है, इसके कंपैरेटिवली यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत सही है, इसलिए वो उससे थोड़ी प्राइजी भी है. एंड इस हॉल में भी देखोगे आप, मैंने जैसे कि ये फुटवेयर दिखाई, ये दिखाई, और मेरा बस चलता और मेरा बड़ा बजट होता तो मैं सारे फ्लिप फ्लॉप्स ही ले लेती, क्योंकि मोर देन शूज़ आई प्रिफर कि थोड़ा बहुत तो ना इजी हो मुझे निकालते वक्त, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो शूज़ का कैसे होता है, पूरा लेस ओपन करो, और मैं जब शूज़ पहनती भी हूँ ना तो उसके लेस 10,000 बार ही निकलते हैं. इसलिए तो मैंने बीच बीच में ना लेस शूज़ यूज़ करती थी मैं लिटरली, और अभी वो मेरे मम्मी यूज़ करती है मेरे वैसे शूज़. और यस यही मैं कहना चाहूँगी इससे कि आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड ऐसी जो ओपन होती है ना, लाइक उल्टा पकड़ा है मैंने नहीं, सो ऐसी जो जिससे अपना आधा पैर ओपन रहता है ना, ऐसी वाली स्लीपर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. देन आई हैव गॉट दीज फॉर्मल शूज एंड आई ऑलरेडी हैड वन सेम, लेकिन इनकी जो मैट फिनिश, सॉरी मेरे पास जो पहले है ना उनकी मैट फिनिश थी, और इसकी ना थोड़ी शाइनी वाली फिनिश है ऊपर से, एंड इसको हील भी है. आई हैड द सेम वन जिसको हील थी, इतनी नहीं थी और वो मैट थे, और अभी भी मेरे पास वो है, पर वो मुझे इतने अच्छे से आते नहीं और मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लगते, इसलिए आई हैव गॉट वन मोर. सो या देन आई हैव दिस शूज. एज आई सेड बिफोर कि मेरे पास ना ऐसे है भी नहीं ज़्यादा, लाइक मेरे पास फ्लिप फ्लॉप में ही है और एक दो मेरे पास सैंडल्स है, ज़्यादातर फुटवेयर में मेरे पास था ही नहीं. और शूज़ में मेरे पास एक शूज़ है जो कि मैं ना पूरा लाइक लिटरली एक पूरे साल में एक बार कहीं पे गलती से मुझे शूज़ पहनना ही पड़ गया, जिसमें जिसके नीचे ना मुझे शूज़ के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा शूज़ है मेरे पास. अभी तक जितने भी शूज़ थे ना, इधर माय मदर यूजेस इट बिकॉज वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ कोई भी हो मेरे पास, क्योंकि मुझे शूज़ पहनना इतना पसंद ही नहीं है. मेरे फीट ना मुझे पूरा ऐसे स्वेटी हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से इन्हें निकाल दूँ मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी. बट आई हैव गॉट दिस वन. सो इनके ऊपर ना ऐसी मियाओ ऐसे लिखा है, और यहाँ से ना दो कैट्स बनी है दोनों साइड से ही, और मुझे ये वाले शूज़ देख के ना मुझे बड़े प्यारे लगे, बिकॉज इसके ऊपर म्याओ सा लाइक दो म्याओ म्याओ बनी है इसकी वजह से. एंड ऐसे शूज़ मेरे पास
एक था मेरे पास, वो भी मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट था और ये म्याओ की वजह से भी लिया मैंने और मुझे ये अच्छे भी लगे इसलिए. और एक तो ऐसा होना ही चाहिए अगर बहुत ही इमरजेंसी हो, जिसके नीचे व्हाइट शूज पहनने के सिवाय कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं ना हो, तब के टाइम में इनके बारे में सोच सकती हूँ. या ऑल्सो आई हैव गॉट वन मोर पेयर ऑफ शूज जो कि मुझे अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं. इट माइट बी गेटिंग डिलीवर्ड टू मी आफ्टर, राइट आफ्टर मी फिल्मिंग दिस वीडियो, क्योंकि उसकी डिलीवरी आज ही आने वाली है. एंड आई जस्ट कांट वेट टू मेक दिस वीडियो, दैट इज वाई मैं अभी जल्दी से फिल्म कर रही हूँ इस वीडियो को. ऑल्सो वो इतने भी कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो मेरे मम्मी के हैं, अच्छे हैं ऐसे नहीं, पर मुझे वैसे वाले पसंद नहीं है, तो वो मेरे मम्मी के हैं, इसकी वजह से मैं इस हॉल में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ और मुझे आए भी नहीं है. ऑल्सो अगर मैं इतना खुद के लिए ले रही हूँ तो एक तो अपने बहन के लिए ले ही सकती हूँ. सो ऐसे सेम ना, ऐसे सेम में मैंने अपने बहन के लिए लिए है एक, यू गाइस कैन सी हियर. और टू बी रियली ऑनेस्ट, ये गलती से आ गए हैं, मैंने ऐसे नहीं लिए थे उसके लिए, थोड़े से अलग लिए थे. पर जब उसने मेरे ये वाले देखे ना, मैंने उसको दिखाया कि देख मैंने बहन मैंने ऐसे लिए मेरे लिए, तो वो ऐसे मुंह बना रही थी कि उसको भी ऐसे ही चाहिए. विद गॉड ग्रेस मुझे गलती से ये रिसीव हो गए एंड नाउ शी कैन ऑल्सो वियर इट. यू सी मी इन दिस वन मोर, आई कैन से दैट एंड नॉट दिस वन that much. As I mentioned ki right after filming the video I'll be receiving a parcel of the shoes that I've got for my mother and wahi hua mere sath. And to be honest main is parcel ko include nahi karna chahti thi, but look at this, according to the price point these shoes are of रियल गुड क्वालिटी एंड मुझे ये सही बहुत सही लगे सच में. जो शूज़ मैंने लिए उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मुझे ये शूज़ पसंद आए एंड मेरे मम्मी को भी ये बहुत अच्छे लगे हैं. सो मैं इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो या आपको इस हॉल में से क्या पसंद आया, और आप अगर लोगे कुछ इस हॉल में से देख के तो आप क्या लोगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड विद दैट दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो. इफ यू डू मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू नेवर एवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट फ्रॉम मी. आई लव यू गाइज, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.